फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में शामिल द्वारका सेक्टर 19B के जो फ्लैट्स हैं उनसे रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। फ्रेंड जैसा कि आपको पता ही है कि अभी द्वारका सेक्टर 19B के जो फ्लैट्स हैं उसमें कंस्ट्रक्शन का कुछ काम बाकी है, यानी कि अभी फाइनल वह फ्लैट्स हुए नहीं है कि लोगों को हैंड ओवर कर दिए जाए, जो भी अलॉटीज है उनको हैंड ओवर कर दिया जाए आफ्टर पेमेंट। और डीडीए ने भी अपने ब्रोशर में लिखा है कि जिन फ्लैट्स का काम कंप्लीट नहीं होता है उसमें थोड़ा बहुत यदि सिविल वर्क रह जाता है, जो फ्लैट्स रेडी फॉर पोजेशन नहीं होते हैं तो उस केस में हम 75% का डिमांड लेटर भेजेंगे। और डीडीए ने जो ब्रोशर में बात लिखी है उसके अकॉर्डिंग द्वारका सेक्टर 19B के लोगों को जो भी अलॉटीज हैं वहाँ के उनको 75% का डिमांड लेटर भेजा है। द्वारका सेक्टर 19B में चाहे किसी ने 3 करोड़ का फ्लैट लिया हो, 3.5 करोड़ का लिया हो, 4 करोड़ का या 5.25 करोड़, जितने का भी फ्लैट लिया हो, क्योंकि द्वारका सेक्टर 19B में अलग अलग कैटेगरी के फ्लैट्स हैं। EWS भी है, HIG भी है, सुपर HIG भी है, पेंट हाउस भी है। तो किसी ने भी कितने भी अमाउंट का फ्लैट लिया हो, जैसा कि आपको पता है कि ई ऑक्शन था, तो सभी को 75% का डिमांड लेटर आया है क्योंकि अभी वहाँ पर सिविल वर्क कम्प्लीट नहीं हुआ है, उनको फाइनल टच दिया जा रहा है फ्लैट्स को, तो इसलिए 75% का डिमांड लेटर आया है और 75% ही पेमेंट करने के लिए डीडीए ने बोला है। बाकी 25% का डिमांड लेटर बाद में आएगा जब इन फ्लैट्स का काम कंप्लीट हो जाएगा और ये रेडी फॉर पोजेशन हो जाएंगे, तब डीडीए 25% का डिमांड लेटर देगा। लेकिन द्वारका सेक्टर 19B के जो अलॉटीज हैं उनके मन में ये डाउट है कि डीडीए जो है अभी इन फ्लैट्स को हैंड ओवर करने में टाइम लेगा, क्योंकि सिविल वर्क काफ़ी पेंडिंग है और लोगों के मन में यही डाउट है कि डीडीए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा दे। और उनका डाउट सही भी है क्योंकि काम की स्पीड से तो ऐसा ही लग रहा है कि डीडीए उसको अगले 5-6 महीने तक पोजेशन दे पाएगा। इसी के रिगार्डिंग लास्ट संडे द्वारका सेक्टर 19B के जो अलॉटीज हैं मेनली उसमें सुपर HIG और पेंट हाउस वाले लोग वहाँ पर द्वारका सेक्टर 19B में वहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने ये प्लान किया कि डीडीए को 50% पेमेंट ही अभी की जाएगी। जहाँ पर डिमांड लेटर आया 75% का तो पेमेंट की जाएगी 50% और बाकी 50% पेमेंट की जाएगी जब काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स डिमांड लेटर तो आया हुआ 75% का, ऐसा कैसे हो जाएगा कि 50% पेमेंट करेंगे और डीडीए उसको मान लेगा। फ्रेंड्स द्वारका सेक्टर 19B में इस संडे लगभग 60-70 अलॉटीज जो है वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और ये प्लान किया गया कि डीडीए को 50% पेमेंट करने के लिए वे लोग LG से मिलेंगे और उन्होंने इस बात को लेके अपना कंसेंट भी साइन कर दिया है कि DDA को 50% पेमेंट ही की जाएगी और इसके रिगार्डिंग वे LG से मिलके बात करेंगे और DDA को प्रेशराइज किया जाएगा कि 50% पेमेंट ही अभी एक्सेप्ट करें और बाकी 50% का जो डिमांड लेटर आप बाद में देना, काम कंप्लीट होने के बाद तब हम 50% का पेमेंट करेंगे। तो इसी से रिलेटेड ही द्वारका सेक्टर 19B में लास्ट संडे मीटिंग हुई है जिसमें कि जैसे मैंने आपको बताया कि सुपर HIG और पेंट हाउस वाले जो भी अलॉटीज थे वह वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और प्लान किया गया, एक ग्रुप बनाया गया, सबसे कंसेंट ले ली गई कि वह लोग LG से मिलने जाएंगे और DDA को 50% पेमेंट करने के लिए प्रेशराइज किया जाएगा, यानी जो डिमांडेड अमाउंट 75% है उसको 50% कर दे DDA। इसलिए द्वारका सेक्टर 19B के अदर अलॉटीज को भी इस ग्रुप में शामिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अलॉटीज जो हैं शामिल होंगे और 50% पेमेंट की बात करेंगे तो DDA को प्रेशराइज करने में हेल्प मिलेगी। DDA को इस बात के लिए भी प्रेशराइज किया जाएगा कि वर्क स्पीड जो इस समय फिलहाल चल रही है, फिनिशिंग वर्क जो चल रहा है उसको, उसकी स्पीड को गियर अप करें या फिर 50% पेमेंट लेके बाकी 50% पेमेंट वर्क कंप्लीशन के बाद DDA डिमांड लेटर भेजें। तो फ्रेंड्स देखते हैं लोगों का एफर्ट्स जो है कितना सक्सेसफुल होता है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल एक छोटी सी अपडेट आ रही थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।